भट्टू मंडी में पंचायत घर में छठ पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भट्टू मंडी में पंचायत घर में पूर्वांचल भारत से आए लोगों ने मां शक्ति युवा क्लब के सौजन्य से सोमवार को प्रातःकाल 5 बजे से 8 बजे तक छठ पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच बंसीलाल, राजकुमार सिहाग, महावीर खोत, विजय सिंगला, नरेंद्र लूणा, भाल सिंह जांगड़ा, मास्टर रमेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस दौरान कलाकारों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 4 दिन तक चलने वाले सूर्योपासना के पर्व छठ के तीसरे दिन रविवार साय को छठवर्तियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं सोमवार सुबह सरोवर स्नान के साथ पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि शांति और समृद्धि की कामना की। प्रमुख समाजसेवी इंदिरा खोत ने कहा कि समय आने पर वे छठ पूजा के लिए स्थायी पूजन स्थल सरोवर सहित बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं मुख्य अतिथियों ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे पर्व के मनाने से लोगों में आपसी भाईचारा व प्रेम की भावना बढ़ती है। प्रवासी लोगों द्वारा मनाए जा रहे इस पर्व को देखने के लिए यहाँ अनेक लोगों ने रुचि दिखाई। यहाँ पर शानदार झांकियाँ भी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई। इस दौरान मां शक्ति युवा क्लब प्रधान अनिल कुमार, पांडव सिंह, गोरेलाल, राजेंद्र गुप्ता, सीताराम यादव, किशन गुप्ता, संजय कुमार, दीपक मुखिया, राहुज रजक ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर यहां अनेक लोग मौजूद रहे। यहां इंदिरा खोत ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। आज मैं सबसे पहले छठ मैया के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो आप सभी को छठ मैया महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। भारत एक पावन देश है, पवित्र भूमि है, जहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। और इसी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम अपने पर्व त्योहार और उपवास करते रहते हैं। आज उन्हीं में से एक महापर्व है छठ महापर्व। हम इसकी पूजा अपने परिवार की सुख समृद्धि और समृद्धि के लिए करते हैं और अपने आसपास की सभी के लिए सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। तो अगर छठ मैया का आशीर्वाद और आप सबका सहयोग रहा तो मैं आने वाले समय में इस छठ महापर्व का स्थायी स्थान बनवाने का प्रयास करूंगी। एक बार फिर मैं महाशक्ति के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। बोलो छठ मैया की। भट्टू कला कपास मंडी में कृषि विभाग ने कपास दिवस मनाकर किसानों को दी जानकारी। भट्टू कला की कपास मंडी में सोमवार को कृषि विभाग द्वारा कपास दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यू स्टेट प्लान स्कीम के तहत आयोजित इस कपास दिवस पर कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को गेहूं, सरसों, चना सहित अनेक फसलों के बारे में जानकारी दी गई। 2 बजे के करीब कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर खंड कृषि विकास अधिकारी साहब राम ने रबी फसलों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि आज आधुनिक तौर पर खेती करने का समय है, जिसके लिए हमें कृषि विभाग के अधिकारियों से परामर्श करके ही खेती की निराई गुड़ाई कर मिट्टी के नमूने की जांच के बाद बिजाई करवानी चाहिए, ताकि उसमें जरूरत के मुताबिक उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए खाद अथवा कीटनाशक का छिड़काव हो। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए भी हमें अब जागरूक होना पड़ेगा। SDO बहादुर सिंह सुरेश कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे सिंचाई के कम पानी में भी अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। वक्ताओं ने सरसों, गेहूँ, चना, जौ की बिजाई के लिए विस्तार से जानकारी दी। कपास दिवस के दौरान उपस्थित किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरसों की बिजाई के लिए बीज किसानों को सरकार द्वारा फ्री उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसका समय के अनुसार किसान बिजाई करवा कर लाभ उठा सकता है। इस अवसर पर संजीव सारण, नंबरदार अनिल साई, राजा राम हनुमान सहित अनेक किसान मौजूद रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर भट्टू कला कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताएँ हुई आयोजित।
राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला में सोमवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर राजनीतिक विज्ञान विषय परिषद NSS इकाई व NCC इकाई के संयुक्त तत्वाधान में करीब 1 बजे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सुदेश गुप्ता ने की। महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विषय परिषद की ओर से एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन राजनीतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसका विषय अखंड भारत के निर्माण में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रखा गया। प्रतियोगिता में मनमोहिनी BA प्रथम वर्ष ने प्रथम स्थान, कल्पना BA द्वितीय वर्ष ने द्वितीय स्थान व पूजा BA प्रथम वर्ष में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को पूरा करने के लिए उनके बताए गए आदर्शों पर चलना चाहिए।